Hey everyone, once again welcome back to the channel. You are with Shivangi रंजना. कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और आज है फेस्टिवल, बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है और कहीं सेलिब्रेट होता है नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है. और देखो इवनिंग टाइम है और मैं हेयर वॉश करके अभी तुरंत शावर लेकर आई हूँ, बिकॉज इवनिंग को ही पूजा किया जाता है और मून का किया जाता है. जब मून इवनिंग को जैसे ही निकलते हैं उस टाइम पूजा किया जाता है और इस पूजा का नाम है चौटी चांद का जो पूजा होता है. सो तो मम्मी करती है, बहुत टाइम से मम्मी करती है और आज फिर मम्मी करेंगी. तो मम्मी भी अभी नहा धोकर रेडी हो रही है, फिर मैं आपको मिलवाऊंगी. तब तक मैंने सोचा ब्लॉगिंग कर. ये सब एक तरीके से मेमोरीज होता है फ्यूचर के लिए, जो कि हम आगे देखते हैं कि चलो मैं सेलिब्रेट करते थे और मैं इतनी बड़ी थी, अब और बड़ी हो गई है. ऑल मैं आपके साथ शेयर करूँगी. बाहर में पूजा होगा, बाहर इन द सेंस कि मेरे पोर्टिको एरिया से मम्मी करेंगी या फिर टेरेस पे जाकर करेंगी, जहाँ से उनके लिए कम्फर्टेबल होगा, मतलब जहाँ से भगवान जी अच्छे से दिख पाएंगे तो वहाँ से. और मैं अभी रूम में हूँ, फिर अभी मैं भी चलती हूँ बाहर, आप भी हमारे साथ चलो और मम्मी से भी मिलवाऊँगी. तब तक मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ, ठीक है? चलो चलते हैं फ्रेंड्स. इधर यहाँ पर मम्मी पूजा करेंगी, यहाँ पर लाइट ऑन करती हूँ मैं थोड़ा सा बाहर का कि आपके साथ शेयर कर पाऊँ. और यहाँ पर अभी आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट हाँ एक मिनट वेट करो, यहाँ पे दिख रहे हैं भगवान. तो अभी यहाँ पे पूजा होगा, तब तक ये देखो यहाँ पर सब कुछ लाकर रखा जाएगा. सो गाइस देखिए यहाँ पर पूजा का प्रिपरेशन चल रहा है और मम्मी यहाँ पर टीका चंदन जो भी होता है कर रही है, प्रिपरेशन ही हो रहा है. और यहाँ मम्मी बैठी हुई है. मम्मी थोड़ा गाइस को हेलो बोल दो. हेलो. सो गाइस बाहर अंदर दौड़ दौड़ के स्वेटिंग हो गया पूरा और मैंने थोड़ा बहुत क्लिप आपके साथ शेयर किया है अभी, क्योंकि अभी बिगनिंग ही है. अभी वो डेकोरेट करना एंड दीपक धूप एंगल जलाना और अभी ये सब चल ही रहा है. उसके बाद फिर हम ना फ्रूट्स लेकर हम लोग लाइक भगवान जी को प्रणाम करते हैं, वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी ही. हाउस एंड बड़ी एकदम तैयार हो गया है, रसना जल्दी से आओ. गाइस को हेलो बोलो. देख रहे हो इसका स्टाइल कमी नहीं है. Moments later. सो गाइज मम्मी पोटिको में ही पूजा कर रही है यहाँ से ही, बिकॉज मून सही से दिख रहा था तो टेरिस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी और यहाँ स्पेस भी अच्छा खासा है तो हमने सोचा कि चलो यहीं से कर लो. सो गाइज मैं अब यहाँ बैठ गई हूँ और पापा भी बैठे हुए हैं मेरे बगल में, ये देखो, और मम्मी है. मेरे घर में ज़्यादा कोई यहाँ पर है नहीं, मैं मम्मी पापा एंड एक हाउस हेल्पर बस. बाकी क्योंकि हमारा फैमिली न्यूक्लियर है तो सबका अपना अपना घर है और मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही हैं. सो आप देख सकते हो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम देखे होंगे. और हाँ यहाँ पर पापा प्रणाम कर रहे हैं फ्रूट लेकर भगवान को एंड यहाँ पर मैं आप कर रही हूँ फ्रूट लेकर. मैंने अपना रिकॉर्डिंग खुद ही लगा रखा था पहले से ही और अब प्रणाम करके रख देते हैं फ्रूट हम बास्केट में और जब फाइनल पूजा हो जाता है फिर हम प्रसाद खाते हैं. और यहाँ पर हवन हो रहा है, पापा हवन कर रहे हैं, एक एक करके हम सब ने हवन किया. पूजा डन हो गया है और मैं प्रणाम करके भी रूम में आई हूँ और उस पर प्रसाद वगैरह हम खाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे. और पापा भी प्रसाद खा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी एक भजन को खाना पड़ता है जहाँ पर पूजा होता है, वहाँ पर जिसके घर होता होगा तो पता होगा. चलो मैं भी चलती हूँ. सो फ्रेंड्स यहाँ पर रसना पूरी के लिए डो रेडी कर रही है अभी और ये देखो पूरी बन गया, गर्मा गर्म पूरी बनाई है अभी ये और ये सेवई बनाई है और इसके बाद अब सब्जी बनाएगी. और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये पूजा पर जो चढ़ा था पूरी फीका होता है एंड खीर सो और ये दही, दही भी चढ़ता है मिट्टी के बर्तन में सो है, तो मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ. सो गाइस पूजा हो गया डन और हम लोगों ने डिनर भी कर लिया, जो प्रसाद था वो भी खा लिया. और प्रसाद तो मैंने आपके साथ शेयर करा था जो रखा हुआ था बास्केट में एंड ऑल. और हाँ बैम्बो का बास्केट में प्रसाद रख के प्रणाम किया जाता है जो कि कुछ अच्छा माना जाता है, जिसके यहाँ होता होगा उसको पता होगा. और अब फुल हो गई हूँ बिल्कुल भी क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. और गाइस अभी का हमारा क्या हाल चल रहा है आप लोग भी देख ही रहे होंगे, हमारा एक मोबिलिटी प्रोग्राम किया गया था हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हम किसी अदर यूनिवर्सिटी में लाइक कुछ जॉर्जिया और टर्किश के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने बात करा था कि टर्किश में एक मेड पार्क क्लिनिक हॉस्पिटल है और वहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. तो पता नहीं NMC को प्रॉब्लम क्या है, जो भी प्रोग्राम सेट होता है हर कुछ में नॉट एक्सेप्टेड. क्या है भाई, तो क्या एक्सेप्ट करोगे, वही बनाओ ना, कुछ बनाता है ना कोई बनाता है तो उस चीज़ को करने देता है. तो बहुत ही स्ट्रेसफुल अभी लाइफ.
सो गाइज अभी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और फाइनल ईयर वालों का तो और समझ नहीं आ रहा, इतना कम टाइम रह गया, बहुत कम टाइम, लाइक हमारा 7 to 8 months और रह गया है डिग्री में, और इतना ड्रामा भी ट्रांसफ़र लेने में भी कुछ सेफ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने सुना है 6 months बैक कर देते हैं। मुझे देखो कितना स्वेटिंग हो रहा है, जल्दी से मैं इधर से भागती हूँ रूम में, अभी मैं बाहर वाले एरिया साइड ही हूँ। और चलो गाइज मैं बाद में इस बारे में बात करूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं अंदर जाती हूँ। बाय, सी यू सून।